शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वाह हुकुम वाह, यह चाल तो मेरे पुरखों को भी नहीं सोच सकते थे। अरे वो कभी शतरंज खेले भी होंगे? ये तो शाहों का खेल है, या हम सिपाहियों का, या हमारे हुकुम खेले, या उनका ये खादिम। छोड़ो हमें। ये बदतमीज कौन है दुर्जन? यही हरिया है हुकुम। यहां क्यों आया है? इस सवाल का जवाब दुर्जन सिंह क्या देंगे? आपने सबको मना कर दिया है कि कोई हमको काम न दे। हमको काम नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? और फिर हम ठहरे तंदुरुस्त आदमी एकदम से मर कैसे जाए? इसलिए हम आपके पास आ गए हैं कि हमको काम चाहिए। हम जुआरियों और शराबियों को काम नहीं दिया करते। ये बात तो हमको पता नहीं था हुकुम, इस वास्ते कि दुर्जन सिंह को हम कई मरतबा दारू चढ़ाते देख चुके हैं। ये दुर्गा साहब नंबर एक के पियक्कड़ है, और ये खान साहब भी कम शौकीन नहीं है। जुए में हमसे हारे हुए 14 रुपया आज तक बाकी है। और फिर हुकुम, आपको सीधे साधे शरीफ लोगों की जरूरत तो है नहीं। आपको तो हरिया जैसा मुंह फट, हाथ छुट और तगड़ा आदमी चाहिए। जरा एक खत पढ़कर सुना तो दीजिए, क्या लिखा है। एक कोठी वाली किसी ठाकुर को और लिखती भी क्या? सच बोलने लायक था नहीं, और आपसे झूठ बोलने को जी नहीं चाहा। अरे तो हम कौन सा सच बोलेंगे? कैसा ठाकुर, कहाँ का ठाकुर? ना माँ ना बाप, खानदानी अकेला हूं। और जब हम सोचे कि हमारा अकेलापन खत्म हो गया, तब तुम ये चिट्ठी वहां छोड़कर चली आई। और हम ये चिट्ठी अपने हाथ में पकड़े पकड़े ये सोचने लगे कि हे बाबू हरनारायण सिंह, तुम ये सपना काहे देखा भाई? इसी सपने के डर से तुम्हें भागी थी। जो तुम्हें पता होता कि मैं ये हूं, तो क्या तुम सपना देखते? अरे तुम न ये हो न वो हो, तुम हो। हम तुमसे प्यार किया है, और प्यार कोई खिड़की दरवाजा नहीं कि तुमको यहां कोठे पे देख लिया तो दरवाजा बंद। और इसी बात पे आज से जुआ खेलना बंद, बिल्कुल बंद। कोई मेहनत मजदूरी और सराफत का काम करेंगे। ए हनुमान सिंह, ले चल उठा अपना मेंटल। अरे अंगूठा तो लगा। अरे अरे दाहिने हाथ का नहीं पागल है। तेरा कल का और आज का मिला के ये हो गया। चल ले, चल जा, चल भाई जा। ले भाई फूल सिंह तू भी आ, चल आ। अरे अरे मजबूत सिंह क्या करता है, तुम बलियों को हाथ ना लगाना। किशन करके ठाकुर चंद्रकांत सिंह के लिए मैंने अलग रखवाई है। अरे हरिया अब तू भी आ जा। अरे एक दिन में 3 दिन का काम तो तूने कर दिया। बाबा हाँ, ये तुम्हें लेना होगा, इस वास्ते कि ये पत्तेबाजी की कमाई नहीं है, गाढ़े पसीने की कमाई है बाबा, मेहनत की कमाई। आईने में कब तक बंद रहेगी मूर्ति? आईने को तोड़कर निकल क्यों नहीं आती? बस सिर्फ एक कमी रह गई। अब बनी ना बात, और अब एक मजे की बात सुनो। कल रात हम एक बहुत फर्स्ट क्लास सपना देखा। कहा देखते हैं कि एक लड़की छड़े से छड़ा बजाती चली आ रही है। हमने उससे कहा कि साहब आप कौन? तो वह हंसकर बोली कि हम तुम्हारे मुन्ने की मां हैं। सूरत शकल ऐसी कि उसको उठाकर तुमको बिठा दे, या तुमको उठाकर उसको बिठा दे, जरा बराबर भी फर्क नहीं। बताओ ये सपना मजेदार था या नहीं?
कहो तो इस सपने को हकीकत में बदल दे। आपको मेरे सपने का पता कैसे चल गया? अरे प्यार मोहब्बत में तेरा मेरा कहां से आ गया? दोनों का सपना तो एक ही है। जय बजरंग बली। काम शुरू करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मुझे तुझसे काम करवाना भी है कि नहीं। कहा ठेकेदार भाई, कल तो आप हमारे काम की बड़ी तारीफ कर रहे थे, बहुत शाबाश शाबाश कह रहे थे। बात वो नहीं है। तो क्या बात है? गौर से सुन, इस पूरे इलाके में तुझे काम देने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्या है? ठाकुर साहब का हुक्म है। ठाकुर साहब का? हाँ हाँ, ठाकुर साहब का हुक्म है, और जिसका दिमाग ठिकाने पर है वो उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे ठेकेदार भाई, ठाकुर साहब का हमसे कहा बैर हो गया? देख हरिया, ये तू जान और ठाकुर साहब जाने, मुझे बीच में मत घसीट। वाह हुकुम वाह, ये चाल तो मेरे पुरखों को भी नहीं सोच सकते थे। अरे वो कभी शतरंज खेले भी होंगे? ये तो शाहों का खेल है, या हम सिपाहियों का, या हमारे हुकुम खेले, या उनका ये खादिम। छोड़ो हमें। ये बदतमीज कौन है दुर्जन? यही हरिया है हुकुम। यहां क्यों आया है? इस सवाल का जवाब दुर्जन सिंह क्या देंगे? आपने सबको मना कर दिया है कि कोई हमको काम न दे। हमको काम नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? और फिर हम ठहरे तंदुरुस्त आदमी एकदम से मर कैसे जाए? इसलिए हम आपके पास आ गए हैं कि हमको काम चाहिए। हम जुआरियों और शराबियों को काम नहीं दिया करते। ये बात तो हमको पता नहीं था हुकुम, इस वास्ते कि दुर्जन सिंह को हम कई मरतबा दारू चढ़ाते देख चुके हैं। ये दुर्गा साहब नंबर एक के पियक्कड़ है, और ये खान साहब भी कम शौकीन नहीं है। जुए में हमसे हारे हुए 14 रुपया आज तक बाकी है। और फिर हुकुम, आपको सीधे साधे शरीफ लोगों की जरूरत तो है नहीं, आपको तो हरिया जैसा मुंह फट, हाथ छुट और तगड़ा आदमी चाहिए, जो आपके हुक्म से गरीब इज्जतदार किसानों के खेत खलिहान में आग लगा सके, या फिर गरीब इज्जतदार लोगों की बेटियों को आपके हुक्म से उठा ले आए। भगवान ने हमको आपसे छोटा हाथ नहीं दिया है हुकुम। अगर हम भी आपको एक थप्पड़ सीध कर दें अभी, तो क्या रह जाएगी आपकी? अर्जुन, इसे इस बदतमीजी का सबक सिखाओ। सीट के बाहर फेंक दो हरामजादे को। एक दस साले कुछ कोने में। अरे हट गया, छोड़ छोड़ मैं कहता हूं। अरे जाने दे यार, पागल है, चल। वारी ममता, पागलपन में भी अपने खून को पहचान लिया। कमाल है इस लड़के का, मैं तो हैरान हूं पंडित जी के अब तक जिंदा कैसे हैं। बहुत ज्यादा चोट लगी है, बस ये समझ लीजिए कि ये नहीं बच सकता। Thank you.
बस माई बस, बहुत हो गया। 2 घंटे से लगातार फेरे लगा रही है, मर जाएगी तू। ये पगली भी अजीब है, रात बिसरने को आ गई मगर इसके चक्कर नहीं रुके। पागल मैं ने भी कमाल कर दी, सुबह के 4 बज गए मगर अब तक उसके पांव नहीं थके। ये पागल माई ने तो रात से भोर कर दी चक्कर लगाते लगाते। तुम्हें एक लॉन्ग रेंज पार्टी को लीड करना है। एलआरपी? फैंटास्टिक, ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। आई एम प्राउड ऑफ इट सर। तुम्हें जल्दी इस इलाके के लिए रवाना होना है। डंबक्सो। डंबक्सो? फर्दर ऑर्डर्स सर? वहां पहुंचने पर फर्दर ऑर्डर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सर। अब तेरा यहां रहना ठीक नहीं है आर्या, ठाकुर तेरी जान का दुश्मन हो गया है। हम जान जाने के डर से गांव नहीं छोड़ेंगे बाबा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ठाकुर बहुत खतरनाक आदमी है, उसके मुंह लगना ठीक नहीं। बाबा हम ठाकुर से बदला लेकर ही रहेंगे। समझने की कोशिश कर हरिया, मैं तेरे भले को कह रहा हूं, तुझे मेरी कसम। पुजारी जी, पुजारी जी, पगली माई की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या? बस खेत जमीन, ये तीनों शब्द याद कर लो बेटा, ये तुम्हें वसीयत कर रही है। जमीन, वसीयत? वसीयत हमसे कर रही? ये बात मुझे तुझसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, पर तेरी जान के डर से कह न सका। ये तेरी मां है। हमारी भाई पगली कैसे हुई? बताता हूं। तालाब के पास जो खेत है ना, वही सारे झगड़े की जड़ है। तेरे दादा ने तेरे पिता के ब्याह के समय वो जमीन इसी ठाकुर खानदान के पास गिरवी रख दी थी, पर ठाकुर की नजर उस जमीन पर थी, उसने जमीन देने से इनकार कर दिया। तेरे पिता ने गुस्से में आकर ठाकुर पर मुकदमा कर दिया। चुनांचे ये अदालत फैसला करती है कि श्री राम सिंह अदालत में सिर्फ 2000 की असल रकम जमा करके अपनी जमीन पर कब्जा हासिल कर लें। बस, वो
वो दिन और आज का दिन, इसकी यही हालत है। उस समय तू 3-4 साल का था, मैंने तुझे अपने पास रख लिया। यह पागल देवी तेरे जीवन का समूचा सत्य है हरिया। सर, खेत। माई, हमको एक बार बेटा कहेगी? एक बार बेटा कहते माई, एक बार। हाँ माई, एक बार माई, एक बार बेटा कहते। हमें बेटा कहे बगैर ही चलेगी भाई, हमें बेटा कहे बिना ही चलेगी। हम पूछते माई, इतनी चलती क्या थी? अपने आंखों से हमें अपने पुरखों के खेत में हल चलाते तो देख लिया होता माई। हम तुम्हारा दाह संस्कार अपने पुरखों की जमीन में ही करेंगे माई, और हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं माई कि जिस जमीन के लिए तू जिंदगी भर तर बतर भटकती रही है, उस खेत में, उस जमीन में हल चलाए से पहले हम नहीं मरेंगे माई।